अल्हदिल्ला रबी वसलाम सईदिया नबी महम्मद वाला वसाबी अजमैन अम्माबाद मोहतरम नाजिन कराम ये सबको मालूम है कि नबी सल्हसम की बेसत अरबों के अंदर हुई अल्लाह रब्बल-आलमीन ने आपकी बेसत से पहले अरबों के अंदर उनकी हालतों को इस तरह से तब्दील किया जो कि नबुवत के लिए अहम असबाब बने हम उन असबाब को जिक्र करेंगे कि कैसे उनके अंदर तब्दीली आई हालात जिस तरह से दौरे जाहिलियत में थे नबुवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरबों की क्या पोजीशन थी उनकी क्या हालत थी लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि बेसत होने वाली थी अरबों के अंदर तो अल्लाह आलमीन ने किस तरह से हालात पैदा कर दिए उनके और किस तरह से अल्लाह रबीन ने सौ पचास साल के अंदर उनकी हालतों को बिल्कुल चेंज कर दिया बदल दिया उन्हीं इसबाब पर हम गुफ्तु करेंगे सबसे पहले उनके अंदर अगर आप देखें तो वो तब्दीली सियासी एतबार से भी आई तहजीबी और सकाफती एतबार से भी आई लेसानी एतबार से भी आई अखलाकी और दीनी एतबार से भी यानी हर एतबार से उनके अंदर तब्दीली आई और अहले कुरेस अहले मक्का यानी कुरेस की अहमियत पहले के मुकाबले में अरबों के अंदर ज़्यादा बैठ गई और ये लोग अरबों के अंदर हर एतबार से सियासी एतबार से तहजीबी एतबार से लसानी एतबार से दीनी एतबार से और ही ज़्यादा ताकतवर और मज़बूत हो गए आखिर इसके क्या इसबाब थे कि पूरे अरब के अंदर अरब बहुत बड़ा खिता है तकरीबन तकरीबन आप समझ सकते हैं तीस लाख मुरबा किलोमीटर के आसपास होगा लेकिन उन सब के अंदर अहले मक्का यानी कुरैश की अहमियत को अल्लाह आलमीन ने किस तरह से बढ़ाया आखिर उसके कौन से वजूहात और असबाब थे उसमें बताया जाता है कि चार सौ ईस्वी के अंदर यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन सौ साल पहले सद मारिब जो कि यमन के अंदर था सैल अरम की वजह से टूट गया एक बहुत बड़ा सैलाब आया और वो सद मारिब टूट गया यमन के अंदर कहतानी कबीला और उसकी जो शाखें थी वो सारे लोग मशहूर थे वहां पर पाए जाते थे यमन के इलाके में कई हुकूमतें कायम थी अरबों की हुकूमतें, यानी कहतानी अरबों की हुकूमतें कायम थीं यमन है ओमान है किंदा है हिमियर है सबा है उनकी ममलकतें और हुकूमतें कायम थी वहाँ पर उनकी अपनी तहजीबें थीं और अरबों में वो गालिब तहजीबें मानी जाती थी उस वक्त वहाँ पर अरब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जाते थे तिजारत के लिए और बहुत सारे काम के लिए लेकिन जब ये सदम आरब टूट गया क्योंकि वो कहतानी थे अल्लाह रबुलआलमीन अदनानी कबाइल को फोकियत देना चाहता था और वो भी अदनानी कबाइल के अंदर जो मुजर कबीला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला जिसमें कुरैस है उसको अल्लाह रब्लम फोकियत देना चाहता था चार सौ सैतालीस में वह सदम मारफ टूट जाता है और उसके बाद वहाँ सैलाबनी सारी ममलकत और उनकी तबाह हो जाती है उसके बाद वहाँ से लोग हिजरत करके निकल जाते हैं जजरतुलरब के शमाली इलाके में जाके बस जाते हैं तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो वहाँ की जो कहतानी हुकूमतें थी वो सब खत्म हो जाती हैं उसके बाद आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यमन के इलाकों पर कभी हफ्सा का बादशाह कब्ज़ा कर लेता था और कभी फारसीियों का कब्ज़ा ईरानियों का कब्ज़ा हो जाता था चुनाच नबी अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई थी तो यमन पर हफ्सा का कब्जा था लेकिन आप वसल्लम की बेसत के बाद मदीना में जब हिजरत करके आए तो उस वक्त तक वहाँ पर यानी तकरीबन पचास और साठ साल के अंदर ईरानियों का कब्जा हो गया और आप सल्ला वसलम की वफ़ात के वक्त खिलाफते रास्ता में ईरानियों का वहां पर कब्जा था तो कभी यमन पर फारसीयों का कब्जा कभी हफ्ओों का कब्जा हो जाया करता था तो इस तरह से आप देखेंगे कि यमन का जो इलाका था वहाँ पर जो कहतानी ममलकतें कायम थी हीमर सभा और दूसरे लोगों की वो सब ख़त्म हो गई वो तहजीबी एतबार से लसानी एतबार से सियासी एतबार से हर एतबार से वो लोग कमज़ोर हो गए और क्रैश का लहजा इनकी सियासत ये सब गालिब आ गई इलाके में बल्कि पूरे ख़ते में अरब इलाके में ये पहला फैक्टर है कि अरब के अंदर जो मशहूर कबीले थे उनमें एक कबीले को बल्कि जो सबसे बड़ा कबीला था कहतानी कबीला और उनके यहाँ पूरी अपनी तहजीब थी सकाफ़त थी उनकी जबान गिब थी वो किस तरह से कमज़ोर पड़ गए दूसरा जो सबब बताया जाता है वो फारसीयों और रोमियों की आपसी जंगें हैं पहले वो उतना तो नहीं आपस में लड़ा करते थे जैसे इस वक्त कुछ सुपर पावर ताकतें हैं रूस है अमेरिका है उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले दुनिया के अंदर दो सुपर पावर ताकतें थीं रोमियों की और ईरानियों की लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले कि ये लोग आपस में कुछ ज़्यादा ही लड़ने लगे अरब इलाकों पर कब्जा करने के लिए ये सब आपस में लड़ने लगे कहते हैं हजार जंगें इन्होंने लड़ी होंगी कभी वो शिकस्त उसको देता था कभी वो गालिब आता था कभी वो गालिब आता था नबी अलैहि वसल्लम की जब बेसत हुई थी उस वक्त रोमी मकलूब हो गए थे और ईरानी गालिब आ गए थे और कुरान में ये बशारत दी गई थी कि चंद ही दिनों में ये गालिब आएंगे यानी रूमी जो हैं ये गालिब आ जाएंगे ये पूरा वाक आपको सूर रूम के शुरू में मिल जाएगा तो यानी उनकी लड़ाइयों का किस्सा जो है हमें कुरान में भी मिल जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये दोनों सुपर पावर ताकतें लड़ कर के आपस में कमजोर हो चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आते, आते आते आप देखेंगे कि काफी हद तक कमजोर हो गई थी यही वजह है सहाबे के राम का खिलाफते दौर आते आते बल्कि दौरे फारूकी ही के अंदर दोनों सुपर पावर ताकतों को कैसे कमजोर कर दिया गया बल्कि ईरानी ताकत को तो बिल्कुल मिटा दिया गया और उनकी हुकूमत को जड़ ही से खत्म कर दिया गया और रोमियों को भी काफी हद तक कमजोर कर दिया गया और जितने अरब इलाके थे खिलाफत राजदा में उनसे छीन लिया गया इन दोनों सुपर पावर ताकतों को सहाबे के ने दस पांच जंगों के अंदर ही खत्म करके रख दिया उसके बाद देखते हैं तीसरा सबब क्या है तीसरा फैक्टर क्या है अरबों के मजबूत बनाने के लिए खास तौर से कुरेस को मजबूत बनाने के लिए मार्केजीकार है ये सियासी एतबार से है कि इराक के अंदर कोफा के पास सहराए जीकार में नबोवत से कुछ साल पहले वाक्य पेश आया था मारके का जिसमें ईरानी फौजों और अरब फौजों का आपस में मुकाबला हुआ था ईरानियों को यह गुमान ही नहीं था कि अरब कभी उनसे लड़ जाएंगे ये दौरे जाहिलियत की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कुछ पहले यकीनन इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत थी कि कैसे अरबों के अंदर यह जुरात पैदा हुई कि ईरानी फौज से जो कि उस वक्त सुपर पावर ताकत थी उससे वो लोग लड़ गए और फिर उसमें अरबों को फतेह नसीब हुई ईरानी भाग गए वहां से मैदान छोड़ करके और बहुत सारे ईरानी फौज मारे गए आज भी ईरानी इस वक्त जो मौजूद हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी आज उसको याद करते हैं मार्के जिकार हो या जंगे कादसिया हो इन सारे जंगों को वो याद करते हैं क्योंकि अरबों ने और बाद में शहाबे कराम ने उनको हराया और मैदान के अंदर और उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया सासानी हुकूमत का बिल्कुल जड़ से खात्मा कर दिया तो आज भी उसको याद करते हैं वो लोग तो देखिए अरबों को अल्लाह रबालमीन ने कैसे ताकत अता की और उन लोगों के अंदर ये ताकत पैदा हुई कि ईरानी फौजों से वो टकरा गए और इस तरह से उनको ख़त्म कर दिया और अरब के अंदर जो वो अपना मकबूजा इलाका समझते थे उनको दूर तक खदेड़ दिया बल्कि इराक़ के इलाके से उनको निकाल दिया तो ये सियासी एतबार से कुछ चीज़ें थी चाहे वो यमन के अंदर कहतानियों का मामला हो या इसी तरह से फारसी और रोमियों का मामला हो या मारकार हो अरबों को अल्लाह रब्लम ने दौर जाहलीत के अंदर ही एक सियासी ताकत अता कर दी खित्ते के अंदर क्योंकि अल्लाह आलमीन को उन्हीं अरबों के अंदर एक नबी जो कि आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद वसल्लम उनको मबूस करना था कुरैश के अंदर खास तौर से हम देखते हैं कि दीनी सरबराही कैसे इनको हासिल थी इन दौरे जाहिलियत के अंदर भी मक्का के अंदर काबा होने की वजह से अहले मक्का को तमाम अरबों के अंदर एक दीनी सरबराही हासिल थी चुनाचे तमाम अरबों के दिलों में जो वक़ार और इज्जत और एहतराम कुरेस का था अहल मक्का का था वो और किसी का नहीं था इसीलिए कुरैश को ये लोग तमाम अरब के लोग पड़ोसी कहते थे अल्लाह का पड़ोसी कहते थे और चूंकि वहां पर खाने काबा था तमाम अरब के लोग वहां पर हज और उम्र करने के लिए जाते थे और उन्हीं के कपड़े में उनको हज या उम्रा करना पड़ता था यानी अगर किसी के पास से कपड़ा नहीं होता था बाहर से कोई हज करने के लिए या उमरा करने के लिए आया है और उसके पास कपड़ा नहीं है तो उसको कुरैश के कपड़े में करना रहता था अगर किसी के अंदर सलाहियत नहीं है लेने की किसी के पास पैसा नहीं है तो ऐसा करते थे उनको नंगा जो है तवाफ करना पड़ता था खाने का वागा और यह रिवाज बहुत काफी देर तक बाकी था नौ हिजरी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमान जारी किया था कि इस साल के बाद खाने काबा का तवाफ कोई नंगे नहीं करेगा तो ये उन लोगों ने अपना उसूल बना रखा था कि कुरैश के कपड़े में ही खाने काबा का तवाफ हो सकता है दूसरे कपड़े में नहीं हो सकता है तो दीनी सरबराही उन्हें हासिल थी खाने काबा की वजह से और वहां पर लोग हज और उमरा करने जाते थे लोग उनको अल्लाह का पड़ोसी कहते थे अहलुल्ला कहते थे इसलिए उनकी एक मजबूत पोजिशन थी दीनी सरबराही की हैसियत से भी हम लिसानी सरबराही अगर देखते हैं जबान के हिसाब से कि अरबों में ज़ाहिर सी बात है उस वक्त बहुत सारे लहजात थे कहतानी लहजात अलग थे यमन के अंदर शिमाल के अंदर अदनानियों के बहुत सारे लहजात पाए जाते थे और दौरे जाहिलियत के अंदर हिमियर और सबा की पोजीशन जब बहुत ज़्यादा मज़बूत थी तो उस वक्त कहतानी लहजात बहुत ज़्यादा अरबों के अंदर राइज थे मगर जब कहतानी कबाइल वो कमज़ोर पड़े तो धीरे धीरे उनका लहजा भी कमजोर होता गया दीनी और इक्तिसादी मैदान में जिस तरह से मक्का वालों की पोजीशन मजबूत होने लगी तो तमाम अरब के लोग कुरेसी लहजा अख्तियार करने लगे और इस तरह से हम देखेंगे कि धीरे धीरे अरबों के अंदर यही कुरेसी लहजा गालिब आ गया जिस तरह से कि पहले कहतानी लहजा गालिब था चुनाचे अरबों के अंदर बहुत सारे जो बाजार लगते थे मेले लगते थे उन सब के अंदर जो सुहरा आते थे जो लेन देन का काम होता था ज़ाहिर सी बात है ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे कबाइल का दूर दूर के लोगों का मिलन होता था लोग इकट्ठा होते थे एक दूसरे से मिलते थे भाव ताव करते थे तजारत करते थे हती कि शुरा का मेला लगता था उनका एक प्रोग्राम होता था जलसा होता था और सारे कबीले के जो शुरा आते थे और अपने अपने कबीले के कारनामों को बयान करते थे इन तमाम शरा का जो लहजा होता था जो शेर वो बोलते थे अरबी जुबान होती थी लेकिन लहजा जो होता था वो कुरेस का लहजा होता था आप देखें इमर उल्केस बहुत बड़ा शायर गुजरा है अरबों के अंदर लेकिन उसका जो मल्लका है आप देखेंगे अरबी में फसी अरबी में उसने बात कही है लेकिन लहजा जो है वो कुरेस का लहजा है आपको लगेगा कि इमर उल्केश ये कुरेसी है हालांकि वो कुरेस का नहीं है वो यमन का है बनु किंदा का है और किंदा का अपना अलग लहजा होता है लेकिन उसने अपने लहजे में बात नहीं कही है क्यों इसलिए कि वो अपने शेर को मशहूर करना चाहता है ताकि तमाम अरब में मशहूर हो जाए तो अरबों के अंदर अगर देखा जाए तो एक नेशनल पैमाने पर जो जुबान राइज थी और उसका जो लहजा था वो कुरेज का लहजा था और शौरा इसलिए भी कुरेज के लहजे में अपना शेर कहते थे क्योंकि जिस शायर का शेर ज्यादा उसका कसीदा ज्यादा मकबूल हो जाया करता था उसके कसीदे को खाने काबा पे जा करके लटका दिया करते थे चुनाचे सात मजमू को एक साथ जमा किया गया जिन्हें सब वक्कात बोलते हैं उन सातों कसीदों को खाने काबा पे लटकाया गया था ये उसकी एक तोजी की जाती है यानी साल भर वहां पर वो कसीदा लटका रहता था लोग आते थे देखते थे और पढ़ते थे ज़ाहिर सी बात है जिस कबीले का वो शायर होता था वो कबीला मशहूर हो जाता था उस कबीले की फजीलत और उसकी धाक अरबों में बैठ जाया करती थी तो कहने का मतलब ये है कि लसानी अतबार से लहजा के अतबार से अल्लाह अल्लाबालमीन ने ऐसे हालात पैदा किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले कहातानियों के लहजातालिब थे यमन के लहजातालिब थे हिमियर है किंदा है सबा है इन लोगों के लहजात गालिब थे यानी कहतानी जो लहजात थे अरबों के अंदर गालिब थे चाहे वो मार्केट हो आम मेला हो जलसा हो सभा हो या दीनी मामला हो आपस में बोल चाल हो सियासी सफीरों की बोल चाल हो लेकिन अल्लाह आलमीन ने कुछ ही दिनों के अंदर उनके हालात को बदल दिया और आप देखेंगे कि इन तमाम जगहों पर इन तमाम वसाइल में कुरैश के लहजे को लोग अख्तियार करने लगे और जो लहजे पहले गालिब थे कहतानियों के वो सब धीरे धीरे मिट गए ये सब अल्लाह आलमीन के मंशा के मुताबिक हो रहा था क्यों इसलिए कि अल्लाह आलमीन को कुरैश ही के लहजे में अरबी जुबान में कुरैश के लहजे में कुरान पाक को नाजिल करना था इसलिए अल्लाह आलमीन ने कुरैश को लसानी तौर पर भी मजबूत कर दिया गालिब कर दिया तमाम अरबों पर उनके लहजे को गालिब कर दिया तो हर कबीले के लोग अपने लहजे को जानते थे उसको बोलते भी थे लेकिन साथ में कुरैश के लहजे को भी वो सीखते थे उसको भी बोलने की कोशिश करते थे लेकिन जो कुरैश के लोग होते थे उनको दूसरे कबाइल के लहजात को समझने की ज़रूरत नहीं होती थी ना उसको बोलने की ज़रूरत होती थी हाँ यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताता हूँ अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम दूसरे कबाइल के लहजात को भी समझते थे और बोल भी लेते थे चुनाचे आप देखें सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत है लई समिन बिर्र असयाम फि सफरी किताबुल सियाम के अंदर रोज़े के बाब में लई समिन बिर्र असयाम फि सफरे यानी सफ़र के अंदर रोजा रखना ये कोई अच्छी बात नहीं है तो इसको यमन के लहजे में पढ़ा गया है लई सामिम बिर्रम श्याम फिम सफ़रिम मतलब जो अलिफ लाम है वो लोग उसको मीम से बदल देते हैं मीम पढ़ते हैं लेकिन क्रैसी लहजा जो है उसको अलिफ लाम बिल्कुल साफ साफ यानी लाम को बिल्कुल वाजे करते पढ़ते हैं लेकिन जहाँ अलिफ लाम आ जाता है वो यमनी लहजात में उसको मीम से बदल देते हैं जाहिर सी बात है कुरैश वाले इस तरह नहीं बोल पाते थे लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के लोग कुछ आए हुए थे और रोजे के मसाइल पूछ रहे थे तो आपने उन्हीं के लहजे में उसी तरह से गुफ्तगू की जैसे वो लोग बोलते थे उसी तरह से आपने बोल करके बता दिया अब देखिए मुहदसिन के अंदर कितना उन्होंने दिक्कत से काम लिया है कि जिस लहजे में अल्लाह के रसूल ने बात की थी उसी लहजे को उन्होंने नकल कर दिया बाकायदा हती कि हस्ते अली कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कभी कभी आप बाज़ लोगों से ऐसे लहजात में बात करते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं तो अल्लाह के रसूल जानते थे दूसरे कबीलों के लहजात को लेकिन कुरस के लोग दूसरे कबीलों के लहजात को नहीं जानते थे इन तमाम सरबराही के अलावा चाहे वो लिसानी हो तहजीबी हो याफ़ती हो अगर आप देखेंगे तो तजारती और मासी एतबार से भी मक्का वालों को अरबों के अंदर सरबराही हासिल थी चुनाचे मक् उस वक्त से अरबों के अंदर ट्रेड हब यानी मरकज बना हुआ था तजारती मरकज की है जुनूब से तो दूसरी तरफ शाम है मिस्र है और शिमाली इलाके से दूसरे अरब के लोग आते थे तीसरी तरफ देखते हैं तमाम अरब वाले वहां पर तजारत के लिए मशरक मगरब से आया करते थे मजीद मक्का वाले शाम यमन और पूरे अरब कमाइल में जहां चाहते थे वो तजारत करने के लिए जाते थे और इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था तजारती टैक्स इनसे कोई नहीं लेता था वजह क्या थी लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत थी और अल्लाह ने उनको फजीलत दे रखी थी उनको अरब वाले अहलुल्लाह कहते थे अल्लाह का पड़ोसी कहते थे जारुल्लाह कहते थे खाने काबा की वजह से चुनाचे आप जब अरबों की तारीख पढ़ेंगे खास तौर से कुरैश की तारीख पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि कुरैश के लोग मक्का के लोग जब कहीं पर तजारत करने के लिए जाते थे वो चाहे यमन जाए तजारत के लिए चाहे वो शाम जाए तजारत के लिए या अरब के दूसरे खिते में जाए तो जो कबायली टैक्स लगा करते थे उस वक्त क्योंकि किसी कबीले के अंदर से अगर आपको जाना है काफिला लेकर के तजारती काफ़िला लेकर के तो वहाँ उस कबीले को टैक्स देना पड़ता था और कबीले के जो लोग होते थे वो दूर तक अपने कबीला को पास करा देते थे कोई खतरा नहीं होता था तो टैक्स देना पड़ता था जिस भी कबीले से गुजर होता था वो लोग आपसे टैक्स लेते लेकिन मक्का वालों से कोई टैक्स नहीं लगता था ना कोई लेता था उनकी अहमियत की वजह से उनकी फजीलत की वजह से और वो दीनी फजीलत जो उन्हें हासिल थी और इसी तरह से तजारती तौर पर भी उनका अपना एक अहम रोल था अरबों के अंदर मक्का इसलिए कि तमाम मरकज था तजारत का मरकज था पूरी दुनिया का उस वक्त मरकज था एक तरह तमाम अरबों से हिंदुस्तान से और दूसरे इलाकों से अफ्रीका से शाम से यानी इराक़ से चारों तरफ से लोग वहाँ में तजारत करने के लिए जाते थे इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है कि हमने कुरैश वालों पर मक्का वालों पर किस तरह से एहसान किया था कुरैश वईफ फलिया हाजल खौफ कि जिस काबा की वजह से तुम लोगों को हमने फजीलत दी थी कि तुम लोग अपने रहलात को तजारती रहलात को तजारती अपने काफिलों को जहां चाहते थे ले जाते थे शाम के अंदर जाते थे यमन के अंदर जाते थे या जहां चाहते थे बिला झिझक जाते थे तजारत करते थे तुमसे कोई टैक्स नहीं लेता था महज काबा की वजह से और तुम्हारी दीनी सरबराही की वजह से तो उस काबा के रब की तुम क्यों नहीं इबादत करते हो काबा के रब की इबादत करो जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म दे रहे हैं तुमको उसकी इबादत की तरफ बुला रहे हैं अल्लाह की इबादत की तरफ तो ये अल्लाह रब्लम का बहुत बड़ा एहसान था कि अल्लाह ने मक्का वालों को तजारती एतबार से भी अरबों के अंदर सरबराही हासिल कर दी थी इस तरह गोया अल्लाह रबालमीन ने बेसत से पहले कुरैश की मकबूलियत को तमाम अरबों के अंदर बढ़ा दी थी एक तरफ अगर देखें तो तजारती एतबार से उन्हें सरबराही हासिल थी जुबान और लसानी एतबार से उनको अल्लाह रबालमीन ने अरबों में मकबूल बना दिया और उन्हें सरबराही हासिल हो गई क्योंकि एक नबी उनके अंदर आने वाला था जिसको मकबूल होना था तमाम अरबों के अंदर बल्कि तमाम दुनिया के अंदर इसी तरह से लसानी एतबार से उनको मजबूत किया क्योंकि उस नबी पर अल्लाह रबालमीन अपना आखिरी कलाम कुरान पाक को नाजिल करने वाला था जो कि क्यामत तक बाकी रहता तो ये कुछ इसबाब थे अल्लाह रबुलामी ने मक् वालों को ख़ास तौर से कुरश वालों को मजबूत किया और जिसकी वजह से क्रेस वाले तमाम अरबों में बल्कि मक्का वाले तमाम दुनिया में उस वक्त मारूफ थे अपनी दीनी सरबराही की वजह से तजारती सरबराही की वजह से और इसी तरह से लसानी सरबराही की वजह से दौरे जाहलीत के अमूर में से एक अहम चीज जो है जाहलीत ओला और जाहलीत सानिया की बात है बहुत सारे लोग आप देखेंगे लिटरेचरों के अंदर इस वक्त मौजूदा दौर को जाहलीत सानिया कहते हैं या जाहलीतलकरनल इसन इक्कीसवीं सदी की जाहलीत या जाहलीत सानिया कहते हैं और जाहलीत ओला यानी पहली जाहलीत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर है यानी बेसत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस दौर में हुई है उस दौर को लोग जाहलीत उ कहते हैं हालांकि ये चीज़ सही नहीं है सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान करीम के अंदर जाहलीत ऊला का तस्करा आया है उसको हम देखते हैं अल्लाह रबालमीन का इर्शाद है वकर्ना फी भूत कुन्ना वबर रजना तबर रुजल जाहली अकीम न व आतीन जक़ात व आती व रसूल ये अजवाज मतहरात को अल्लाह रब्लमिन ने खिताब करके फरमाया है कि अपनी घरों के अंदर वक़ार से बैठी रहो जाहलीत उला की तरह से सर खोल करके बाहर ना घूमा करो नमाज कायम करो जक़ात दो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करो यहाँ पर आप देखें कुरान के अंदर जाहलीत उला का जिक्र आया हुआ है तो ये जाहलीत ऊला से क्या मुराद है तो यहाँ पर हम खुलासा के तौर पर बताएंगे कि हज़रत इब्राहिम के दौर से लेकर के हज़रत ईसा के दौर तक ये दो हजार साल बनता है ये जो इब्राहिम से लेकर के ईसा तक का जो जमाना है इसके अंदर बहुत सारी कौमें पैदा हुई और मर गई ख़त्म हो गई उनका नाम व निशान मिट गया जिनको अकवाम बायदा कहते हैं जैसे आद सम कस्म और जदीस बाबुली आसूरी अक्कादी कनानी बहुत सारे अकवाम इन बीच में पैदा हुए और अल्लाह आलमीन ने उनको हिला कर दिया तबाह कर दिया तो इसी दौर को जाहलीत उला कहते हैं और जाहलीत सानिया दरअसल कहते हैं ईसा सलाम के ज़माने से ले के नबी अलैहि वसल्लम की विलादत तक ये जो दौर है ना जिस दौर में नबी वसल्लम की विलादत हुई है ईसा सलाम के बाद के ज़माने को इसको हम जाहलीत सानिया कहते हैं इसमें भी लोगों के अंदर दीन से जहालत इंसानियत से दूरी बढ़ चुकी थी तो ये जाहलीत ऊला और जाहलीत सानिया है यानी जाहलीत ऊला जो है वो हज़रत इब्राहिम के दौर से लेकर के हज़रत ईसा के दौर तक जो दो, दो हज़ार साल का ज़माना बनता है और इसमें बहुत सारी अकवाम पैदा हुई और उनको हिला कर दिया अल्लाह रबालमिन ने क्योंकि तो उनके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो गई थी और जाहलीत सानिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत से लेकर के हज़रत ईसा का जो ज़माना है तकरीबन 500-600 साल का ये जो दौर है ये सानिया है इसके अंदर अल्लाह के रसूल की विलादत हुई है इसके अंदर भी दीन से जहात और इंसानियत से दूरी लोगों के अंदर बढ़ गई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई इंसानियत को सुधारने के लिए बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को सुधारने के लिए हर जगह जुल्म और जहालत और दीन से नादानी शिरक और विदात भर गए थे अल्लाह रबुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन के अहकाम पर चलने की तोफीक बख्शे आमीन वाखा वरम वच बात लोगों तक पहुंचाने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेट्रियन में आई प्लस टीवी के सपोर्टर बने ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें